अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं रियलमी C11 फ़ोन का, जो कि सक्सेसर बताया जा रहा है रियलमी C3 का, लेकिन स्पेसिफिकेशन आपको इतनी खास नहीं मिल रही। डिटेल से बात करते हैं, इसको कंपेयर करेंगे फिनिक्स के हॉट 9 प्ले फ़ोन के साथ, तो जिसमें आपको डिफरेंट रैम वेरियंट मिल जाते हैं। दोनों की प्राइस तकरीबन आपको सेम मिलती है, यानी 16,999, जो कि ऑफिशियल रियलमी C11 की प्राइस अनाउंस की गई है। अगर हम इनके डिस्प्ले से स्टार्ट करें तो रियलमी C11 में आपको 720 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ HD वाला डिस्प्ले मिलता है 6.5 इंच का वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, और फिनिक्स के फोन में आपको 6.82 इंच का डिस्प्ले मिलता है सेम वाटर ड्रॉप नॉच के साथ, लेकिन थोड़ा बड़ा डिस्प्ले और 720 पिक्सल रेजोल्यूशन मिलती है सेम आपको। और रियलमी के फोन में 270 ppi डेंसिटी मिलती है और साइज थोड़ा छोटा है, तो डिस्प्ले आपको ज्यादा HD लगेगा रियलमी फोन का। एंड्रॉइड 10 आपको देखने को मिलता है रियलमी के फोन में, जबकि थोड़ा लेट हो चुका है फिनिक्स हॉट 9 प्ले, इसमें आपको एंड्रॉइड 9 देखने को मिलता है। 2 GB रैम और 32 GB स्टोरेज वाला वेरिएंट इसका आपको 14,000 की प्राइस में मिल रहा है डिस्काउंट के साथ, यानी 14,999 इसका रेट बताया जा रहा है, और डिस्काउंट आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। और 3 GB 64 GB वाला वेरिएंट आपको 16,999 में बताया जा रहा है। अगर हम इनके चिपसेट की बात करें, रियलमी C11 में आपको अच्छा चिपसेट मिलता है अगर इससे कंपेयर करते हैं, यानी MediaTek का G35 वाला, जो कि अभी लेटेस्ट गया है। कोर्स इसमें थोड़ा आपको इन्होंने पुराने दिए हैं A53 वाले, जिनकी स्पीड को बूस्ट किया है, यानी ऑक्टा कोर का CPU मिलता है 2.3 GHz के साथ, और GPU भी काफी अच्छा है, गेमिंग आप अच्छी कर सकेंगे इनफिनिक्स के फोन के मुकाबले में। इनफिनिक्स के फोन में आपको MediaTek का A25 वाला चिपसेट दिया जा रहा है, जो कि सेम CPU आपको देता है ऑक्टा कोर का, लेकिन स्पीड उसकी कम है 2.0 GHz, और पुराना चिपसेट है इतना अच्छा आपको परफॉर्म नहीं कर पाएगा इस चिपसेट के मुकाबले में। रियलमी C11 आपको 2 GB रैम 32 GB स्टोरेज के साथ मिलता है, इनफिनिक्स का फोन आपको 3 GB रैम और 2 GB रैम दोनों में मिलता है, और प्राइस का थोड़ा डिफरेंट है। रियलमी के फोन में आपको बैक में 2 कैमरे मिलते हैं, 13 MP और 2 MP का। इनफिनिक्स के फोन में भी आपको 2 कैमरे मिलते हैं, 13 MP का लेना हो और एक लो लाइट सेंसर है। फ्रंट पे आपको 8 MP का कैमरा दिया गया है इनफिनिक्स के फोन में, जब रियलमी के फोन में 5 MP का कैमरा है, तो रियलमी आपको अच्छा रिजल्ट दे सकता है। ये ओप्पो का सब ब्रांड है, काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइजेशन इसमें भी होती है, और सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको कैमरे के काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं अगर आप इनको इनफिनिक्स के फोन के साथ कंपेयर करते हैं तो। माइक्रो USB वाला आपको दोनों में चार्जर मिलता है, OTG की सपोर्ट के साथ दोनों फोन आते हैं। फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको रियलमी के फोन में नहीं मिलता, जबकि इनफिनिक्स के फोन में आपको मिल जाता है। 5000 mAh की बैटरी या 10 V के साथ रियलमी C11 में, इनफिनिक्स हॉट 9 प्ले के अंदर 6000 mAh की बैटरी है 10 V की नॉर्मल चार्जिंग के साथ, तो बैटरी 1000 mAh ज़्यादा है। और चिपसेट की बात करें तो रियलमी का अच्छा है, तो मैं आपको डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा रियलमी। जहाँ अभी रुक जाएँ, अभी रेडमी का 9C आ सकता है, इसी प्राइस रेंज के राउंड अबाउट आएगा 17,000 के करीब ही, तो आप थोड़ा वेट कर सकते हैं उसके लिए, या फिर ये वाला फ़ोन आपके लिए अच्छा रहेगा। इनफिनिक्स हॉट 9 प्ले भी अच्छा है अगर आप चिपसेट को इतना यूज़ नहीं करते गेमिंग वगैरह में, लेकिन चिपसेट इधर आपको इनफिनिक्स के फ़ोन में पुराना दिया जा रहा है। आप इन दोनों में से कौन सा फ़ोन बाय करेंगे मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।